चाची जी, हाँ? आप काफी थकी हुई लग रही हैं। हाँ, थक तो गई हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, इससे थकान मिट जाएगी। थैंक यू। पीजिए ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया। आओ ना, बैठो। हाँ चाची। अच्छा चाची जी, आपके पैर दबा दूं क्या? हाँ, आर यू श्योर? यस आई एम डैम श्योर। ठीक है। अच्छा चाची जी, एक बात बोलूं आपसे? चाचा जी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं देखता रहता हूं, वो आपसे काम करवाते रहते हैं लेकिन वो आपको प्यार नहीं दे पाते। वाह सोनू, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ चाची जी, तू सच कहता है। तेरे चाचा जी बिल्कुल ख्याल नहीं रखते मेरा, और उनको तो इस तरह की मसाज भी नहीं आती। अच्छा, मुझे और भी कई तरीके की मसाजेस आती हैं। शोल्डर मसाज करूं? हाँ हाँ। अच्छा चाची जी, मैं चंपी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, वो भी करूं? हाँ। अच्छा चाची जी, एक बात बताऊं, मैं आपको प्यार भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो करो ना, रोका किसने? आखिर मोनू और कोमल के नाजायज रिश्ते का सच जानने के बाद भी सूरज खामोश क्यों था? क्या वो किसी बड़े प्लान की तैयारी में था? आइए देखते हैं आगे की स्टोरी में। Oh!
चाचा जी सुरेश तुम नहीं, हाँ मैं। नहीं चाचा जी ये कर रहे हैं भतीजे क्या इश्क चल रहा है सुरेश प्लीज कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज चुप हो जाओ हाँ। सफाई देने की कोशिश मत कर ले पकड़ ये माला माला पकड़ पकड़ इसे सुरेश ये तुम क्या करवा रहे हो तुम दोनों के प्यार पे मैं शादी की मोहर लगाना हाँ? चाहता हूँ एक दूसरे को माला पहनाओ सुरेश नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो मुहूर्त बीता जा रहा है जल्दी एक दूसरे को माला पहनाओ चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए मैं अब चुप रहे पहनाओ नहीं चाचा पहनाओ चल प्लीज चाचा जी माफ कर दीजिए पहना जल्दी चल पहना हो गई शादी चाचा जी छोड़ दो बंदूक छोड़ इसका छोड़ मेरे हाथ को छोड़ बंदूक छोड़ शूट हिम कोमल शूट हिम मार डालो इसे फिर हम अपनी अच्छी सी एक नई दुनिया बसाएंगे हाँ मुझ पे गोली चलाएगी तू मुझ पे गोली चलाएगी तू ये क्या कर रही हो कोमल मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना कोमल मार दे इसे नहीं कोमल जैसे हमारे प्यार में दरार आई है नहीं मार इसे नहीं कोमल नहीं नहीं प्लीज सॉरी सुरेश सॉरी माय यंग लव सोनू तुम दोनों माफ कर दो क्योंकि अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी जिंदा रखती तो पूरी जिंदगी बेवफाई के ताने सुनने पड़ते इसलिए तुम दोनों को मारना पड़ा हाँ हेलो पुलिस मैं जीवन नगर के सनशाइन बंगलो से कोमल बात कर रही हूँ बंगलो नंबर 402 सर यहाँ पर चाचा भतीजा ने दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी है प्लीज आप जल्दी आ जाइए हाँ ठीक है तो देखा आपने कोई भी इंसान अगर शैतान का रूप धारण कर ले तो उसके लिए कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रखते कोमल ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है असल में किसी भी गलत रिश्ते की शुरुआत शुरू में तो बहुत आनंद देती है लेकिन उसका अंत हमेशा डरावना होता है और मोनू के साथ भी यही हुआ आज के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में नमस्कार।